हे दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि लोग हस्तमैथुन या मास्टरबेशन क्यों करते हैं, और अगर हस्तमैथुन करते भी है तो लोग इसको दिन में कई बार क्यों करने लग जाते हैं। दोस्तों, हस्तमैथुन पुरुषों व महिलाओं में पाए जाने वाली आम बीमारी बन चुका है, और यह इतनी खतरनाक है कि लोग इसको छोड़ने की कोशिश भी करते हैं फिर भी कुछ दिन बाद वह उत्तेजित होकर मास्टरबेशन कर ही देते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में कभी न कभी यह विचार जरूर आया होगा कि आखिरकार लोग मास्टरबेशन करते ही क्यों है। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम हस्तमैथुन के कारण जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड फायदे लगातार देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, हस्तमैथुन का प्रमुख और सबसे बड़ी कारण है पोर्न वीडियोज। दोस्तों, आज के समय में पोर्न देखना या पोर्न वेबसाइट पर पहुंचना मैगी बनाने से भी ज़्यादा आसान हो गया है। बस एक दो क्लिक से हमारे सामने करोड़ों वीडियोज आ जाते हैं। पोर्न देखने के कारण ही लोगों के लिंग में उत्तेजना पैदा होता है, और उसी उत्तेजना को शांत करने के लिए लोग हस्तमैथुन का सहारा लेते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला है कि इंडियन अपने पूरे दिन के इंटरनेट का 85% डाटा पोर्न देखने में खर्च करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 89% इंडियन रेगुलर पोर्न देखते हैं। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी क्योंकि यह परसेंटेज अमेरिका ब्राज़ील से भी ज़्यादा है जहां पे पोर्न वीडियोज बनते हैं। पोर्न फिल्म इंडस्ट्री का टर्नओवर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से भी ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि ये लोगों को पोर्न की लत लगवाने के लिए अनेक कैटेगरी की पोर्न बनाते हैं। अगर मैन या वोमैन एक बार भी पोर्न देख लिया करते हैं तो उन्हें हस्तमैथुन करना तय है। इसलिए पोर्न को हस्तमैथुन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ऑलराइट गाइस, दूसरा प्रमुख कारण है हस्तमैथुन का, वह है वीर्य के महत्व का ज्ञान न होना। दोस्तों, पुरुष के शरीर में वीर्य और स्त्री के शरीर में रज अपने आप बनते हैं, इसलिए लोगों को इनके महत्व का ज्ञान नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भोजन पाचन के बाद रस बनते हैं, और रस के पाचन के बाद ब्लड बनता है, और यह प्रक्रिया 5 दिनों में पूरी होती है। इसी तरह 5 दिनों के अंतराल में रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा, और तब जाकर अंत में मज्जा से वीर्य बनता है। कुल मिलाकर वीर्य बनने में 30 दिन 4 घंटे का समय लगता है, और मनुष्य को इसको वेस्ट करने में क्षण भर का समय लेते हैं, वो भी हस्तमैथुन का सहारा लेकर। इसलिए वीर्य के बारे में अच्छी से ज्ञान नहीं होने के कारण भी लोग हस्तमैथुन करते हैं। अगला कारण है सेक्स एजुकेशन का अभाव। बच्चे सेक्स एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं, इसी क्रम में वे गलती से पोर्न वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, फिर पोर्न देखने लग जाते हैं, देखते देखते वे पोर्न एडिक्ट भी हो जाते हैं। इसी कारण कई लोग अब स्कूली पाठ्यक्रम में सेक्स एजुकेशन को जोड़ने की मांग कर रहे हैं, और यह मांग शायद सही भी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मानसिक तनाव कम करने के लिए। लोग हस्तमैथुन मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी करते हैं। एक्चुअली में इसके पीछे का साइंस यह है कि आदमी को खुशी उसके ब्रेन में मौजूद डोपामीन नामक रसायन के कारण मिलती है। ब्रेन में जितनी ज़्यादा डोपामीन रिलीज होती है आदमी को उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलती है। यही कारण है कि पोर्न देखते समय एवं हस्तमैथुन करते समय ब्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज होता है, इसी कारण लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खुशी फील करते हैं, और इसी खुशी के कारण वे अपनी समस्या एवं परेशानी को भी भूल जाता है और हस्तमैथुन करते रहते हैं। नेक्स्ट है नींद के लिए। दोस्तों, कई लोग नींद लेने के लिए भी हस्तमैथुन करते हैं। आप जानते हैं कि वीर्य में बहुत सारे तत्व एज विटामिन, प्रोटीन, आयरन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पाए जाते हैं। इसी कारण जब कोई वीर्य नाश करता है तो उनके शरीर में ये सारे तत्व की कमी महसूस होने लगती है, जिससे थकान होने के कारण उन्हें नींद आने लगता है और वो सो जाता है। दोस्तों, यही था आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, एवं इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।